वेलकम बैक टू जीवा हेल्थ शो. मैं हूँ शिल्पा और आज हमारे बीच उपस्थित हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो दे रहे हैं आपके समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार. आप भी हमें कॉल कर सकते हैं ऑन दीज नंबर्स फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. वेलकम बैक डॉक्टर साहब. थैंक यू जी. डॉक्टर साहब, जानना चाहूँगी कि शिलाजीत का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए और क्या इसको कोई भी ले सकता है? देखिए, अच्छा प्रश्न आप पूछते हैं और ये वाला प्रश्न सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जो शिलाजीत है, मैंने शुरू में बोला, एक उत्तम रसायन है. तो रसायन का मतलब होता है यज जरा व्याधि नाशनम तद रसायनम, जो बुढ़ापे को दूर रखे, जो बीमारी को दूर रखे. तो ये तो फिर इसका मतलब सभी ले सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, ये तो नहीं कहूँगा कि छोटा बच्चा जो 2 साल से कम है, 5 साल से कम बच्चे ना लें. बेहतर रहेगा कि 10 साल से ऊपर की उम्र के बच्चों को दिया जाएगा. और उनको भी देना है तो उसका तरीका फिर अलग होगा. उसको किसी चीज़ में मिक्स करके थोड़ी मात्रा में, मात्रा का हमारा यहाँ बहुत महत्व होता है आयुर्वेद में. हर व्यक्ति का डोज अलग हो सकता है. एक निर्धारित डोज मैंने आपको बताई थी, 250 मिलीग्राम या मैक्सिमम 500 मिलीग्राम एक स्वस्थ व्यक्ति जो है वो दिन में एक बार उसको ले सकते हैं. दूध के साथ इसका सेवन किया जाता है, ज़्यादा अच्छा रहता है. आमतौर पर कई बार जब आपको शिलाजीत वैसी भी मिल जाती है चिपचिपी वाली, तो उसमें कहते हैं कि एक थोड़ा चने के दाने के बराबर उसमें दूध में घोल के आप पी लें उसको, तो वो एक तरीका इसका लेने का होता है. वाओ, सिंपली अमेजिंग डॉक्टर साहब. इसी के साथ हमारे अगले कॉलर भी लाइन पर हैं. जी नमस्ते जी, वेलकम टू जीवा हेल्थ शो. हाँ नमस्ते मैम. अपना शुभ नाम बताइए. हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैम, मेरा नाम मनीष है ना, एंड मैं बैंगलोर से बात कर रहा हूँ इस टाइम अभी. जी मनीष जी, नमस्कार. नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, थैंक्स फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू सर. वेरी मच, आई एम वेरी हैप्पी टू टॉक टू यू. बताइए क्या सेवा करें आपकी? नहीं सर, सेवा तो कुछ नहीं है. ऑलरेडी हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है. अच्छा, आपके जीवा आयुर्वेदिक क्लिनिक से. अच्छा अच्छा, क्या प्रॉब्लम? जो हाँ जी, किस चीज का इलाज चल रहा है आपका? सर मेरे ना दोनों बच्चों का इलाज चल रहा है. मतलब पहले मेरी बेटी का इलाज चल रहा था टॉन्सिलाइटिस के लिए. अच्छा, तो उनका बैकग्राउंड में देता हूँ. मेरी बेटी का एलोपैथिक ट्रीटमेंट हुआ स्टार्टिंग में, तो डॉक्टर ने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 1-2-3 महीने के बाद बोला कि ऑपरेट करना पड़ेगा और टॉन्सिल बाहर निकालने पड़ेंगे. तो लकीली फिर हमें आपका सेंटर के बारे में पता चला, आपके ट्रीटमेंट के बारे में पता चला जी. तो हमने ऑनलाइन मेडिसिन लेना शुरू किया फिर आपसे. अच्छा, तो कंटिन्यूस 1 ईयर लगातार हमने आपका ट्रीटमेंट फॉलो किया, आपके जो डॉक्टर साहब हैं जी. तो टचवुड, अभी हम बहुत खुश हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं कि अब हमारी बेटी ठीक है एकदम. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. कोई भी टॉन्सिलाइट की प्रॉब्लम नहीं है. वेरी गुड, दैट इज वन थिंग सर. और मेरे बेटे का भी इलाज चल रहा है वीजिंग के लिए जी. और टॉन्सिलाइट भी है उसको, डॉक्टर ने जो डायग्नोज किया है. एडिनोइड्स भी है, मतलब उसको काफी चीजें हैं एक साथ ही. मतलब वो अच्छा, उसकी कितनी उम्र है बेटे की? बेटे की उम्र है 3 साल का है अभी. अच्छा अच्छा, उसके लिए एक बाल ओजस हमारा बड़ा अच्छा प्रोडक्ट शायद दिया होगा आपको डॉक्टर ने. हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, बाल ओजस च्यवनप्राश हम यूज कर रहे हैं लास्ट 1 ईयर से. देखिए जो बेसिक चीज है ना, बहुत अच्छी बात है आपने शेयर किया हमारे साथ. और इसका पर्पज हमारा ये होता है कि जब आप कोई चीज शेयर करते हैं तो एक तो हम अपने मुंह से बात करते हैं आयुर्वेद की, लेकिन जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया वो भी शेयर करें तो दूसरे लोगों के लिए अच्छा रहता है वो. हमें सर बिल्कुल विश्वास है, और आपसे जुड़ने के बाद तो हमारा विश्वास और बढ़ गया है सर. बहुत बहुत धन्यवाद. हमने अपना खुद अपने बच्चों पे लाइव देखा है, मतलब इम्प्रूवमेंट होते हुए उनके ऊपर. थैंक यू फॉर शेयरिंग. बहुत खुश हैं सर आपके ट्रीटमेंट से, आपकी मेडिसिन से, आपके डॉक्टर्स की फैसिलिटी से, सजेशन से. यू आर वेरी हाईली सेटिस्फाइड सर. थैंक यू. एंड सर थोड़ा सा इम्यूनिटी के लिए आप बताएंगे, मतलब इफ यू डोंट माइंड, अगर हमारे पास टाइम है थोड़ा और बात करने के लिए आपसे 1 मिनट और. बच्चों के लिए बच्चों के लिए सर, इम्यूनिटी के लिए मतलब आपने जैसे बायोलॉजिस्ट तो आपने बताया. देखिए सबसे जो बढ़िया चीज होती है और सबसे अच्छी चीज वो है फूड. बच्चे जो खाना खाते हैं बच्चे, फूड ओके, उसमें थोड़ा सा कई बार बहुत कुछ कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ट्राई टू यू नो गिव देम फ्रूट्स. Okay. और जो नट्स होते हैं, बादाम, अखरोट, किशमिश, ये सोक करके दीजिए. okay, हनी बहुत अच्छा रहता है उनको, शहद खाने की आदत डालिए. okay. चीनी की बजाय गुड़ खिलाइए, गुड़ बहुत अच्छा रहता है. अच्छा, और जी. जितना भी हो सके नेचुरल चीज़ें हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, स्प्राउट्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, ये थोड़ा थोड़ा उनको किसी भी एक टेस्टी फॉर्म में बना के खिलाइए.
हाँ जी, तो उनको अभी से एक अच्छा संस्कार पड़ जाएगा फिर। और थोड़ा जो ये जो पैकेट वाला फूड होता है, जंक फूड, इसको लिमिट करिए थोड़ा, जितना भी कर सकते लिमिट कर रहे हैं। ठीक है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। वैसे ऑलरेडी हम कंट्रोल कर रहे हैं, पर जी आपने सही कहा, थोड़ा सा और कंट्रोल करेंगे और जो नेचुरल प्रोडक्ट है उनको पे ज्यादा फोकस करेंगे। और आजकल के बच्चों को एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, थोड़ा सा उनके माइंड को भी शांत करने के लिए उनको थोड़ा सा कुछ जो है मंत्र वगैरह सिखाइए, मेडिटेशन सिखाइए, मेडिटेशन थोड़ा सा जो है क्या है उनको कोई संस्कृत सिखाइए उनको। अभी रिसर्च हुआ है कि जो लोग संस्कृत बचपन में सीख लेते हैं हाँ जी, तो उनका माइंड जो है वो अलग तरह का होता है, शार्प भी होता है और मेमोरी अच्छी होती है, कंसंट्रेशन अच्छा होता है, इस पर रिसर्च हुई है बाकायदा। अच्छा जी, तो ये हमारी पुरानी चीजें हैं, इनको दोबारा से रिवाइव करिए थोड़ा सा। नहीं नहीं सही कह रहे हैं जी, मतलब वही टाइम पे वापस आएंगे तो बिल्कुल थोड़ा लाइफ स्टेबल भी होगा। ठीक है जी, थैंक यू मनीष जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, लॉट्स ऑफ लव टू योर चिल्ड्रन। तो डॉक्टर साहब जी, इसी के साथ एपिसोड का वक्त समाप्त हो चला है। थैंक यू सो मच जीवा हेल्थ शो में चार चांद लगाने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, एपिसोड समाप्त होने के बाद भी आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं आप विद जीवा आयुर्वेद। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप 24/7 जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान और उनकी पूरी टीम आपकी मदद करने के लिए किसी भी समय तत्पर है। आपकी सेहत का नंबर है 01294040404। आपकी सेहत की ईमेल आईडी है info@jiva.com। दोस्तों, जाते जाते बस यही कहना चाहूंगी, जीवा आयुर्वेद ही है असली आयुर्वेद, सच्चा और सही यही। तो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं कंप्लीट हेल्थ ऑफ माइंड, बॉडी, ब्यूटी एंड सोल, आइए हमारे साथ और चलिए जीवा आयुर्वेद के साथ सेहत की राह पर, खुशियों की राह पर। इसी दुआ, इसी कामना के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूंगी विदा। सी यू सून, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार। और याद रखिए, सेहत है तो सब कुछ है।